इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इंटरनेशनल रिलेशंस की इस तीसरी क्लास में, जहां हम नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, नई नई चीज़ें पढ़ेंगे। सो आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन, खुशी, विपिन, रोहित। सो आज हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की बात करेंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो हैं, हम पढ़ेंगे आज डिटेल में, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस, किस तरह से जो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कैसे ये दोस्ती, ये फ्रेंडशिप, ये संबंध जो है शुरू हुए। बट उससे पहले सब बच्चों के लिए एक सवाल, डिस्कस द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। एंड कमेंट ऑन द वे फॉरवर्ड। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, 250 वर्ड्स में आपने ये इसका आंसर देना है। ट्वेंटी मार्क का ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने लाया हुआ है, तो लिखेंगे आप, इसके बाद लिख के आप जो है भेजेंगे। और इस क्वेश्चन को जो है आप जो है आंसर देंगे, मुझे आप पर्सनली भेज सकते हैं। उसके अलावा जो ऐप है उस पर भी मैं ये क्वेश्चन जो है भिजवा दूंगा, ताकि इस क्वेश्चन को जो है सारे लेके जो है चल सकें, डिस्कस कर सकें। तो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें थी, बिल्कुल विपिन त्रिपाठी, मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, कल की क्लास आपने शायद नहीं की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भारत जो है, भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहे थे इमरान खान, तो बिल्कुल। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो उसकी बैकग्राउंड थी वो यही थी कि वो वहाँ के लोगों को कहना चाह रहे थे कि हम भी इसी तरह से जो है लोगों के लिए जो है एक आज़ाद विदेश नीति चलाएंगे और इस तरह से जो है चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। मैंने इस पे डिस्कस किया था। सो इसको आप डिस्कस करेंगे, इसको हम करेंगे, और आज हम शुरू करेंगे इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। इन दो देशों की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश जो कि 1971 में पैदा हुआ, 1971 से पहले ये देश विश्व मैप पे नहीं था। उससे पहले जो है यहाँ पर आपको ईस्ट पाकिस्तान नज़र आता था। 2021 वो साल था जब बांग्लादेश के फाउंडर शेख मुजीबुर रहमान की बर्थ एनिवर्सरी भी थी। और इसके अलावा ये वो साल है जब बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल पूरे हो गए हैं। और बांग्लादेश की आज़ादी के साथ, बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ साथ भारत और बांग्लादेश के संबंधों के भी 50 साल जो है पूरे हो चुके हैं 2021 में। और अगर आप देखें कि जब ये आपदा कोविड की चल रही थी, इस आपदा के ख़त्म होने के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब किसी दूसरे मुल्क में जाने का फैसला किया, तो वो सबसे पहले बांग्लादेश गए,
यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि हमारे लिए बांग्लादेश कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जो है बांग्लादेश, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो ये है बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। अगर आप देखें तो बांग्लादेश के लेफ्ट साइड में आपको हमारा एक राज्य नज़र आएगा, वेस्ट बंगाल नज़र आएगी, ठीक है ना। और अगर आप बांग्लादेश के ईस्ट पे भी देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है भारत की बहुत सारी जो है स्टेट्स आपको नज़र आएंगी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आपका जो है, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यानी कि भारत से जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, जो यहाँ पर भारत की स्टेट्स हैं, भारत के राज्य हैं, जिनको सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है, तो जाने का रास्ता अगर आप देखें तो जाने का रास्ता जो है यहाँ ऊपर से आप जाएंगे, ठीक है, सिक्किम की तरफ से आप जाएंगे जो है, ठीक है, ऊपर की तरफ से आप जाएंगे। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर बीच से रास्ता निकलेगा तो यहाँ से शायद हम जल्दी पहुँच जाएंगे, ये चीज़ आप देखें। तो बांग्लादेश इसलिए हमारी सिक्योरिटी, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे नेपाल भी है, भूटान भी है, और यहाँ पे चिकन नेक कॉरिडोर है हमारा जो है, जिसको आप सिक्किम कहते हैं, तो हमारा सिक्किम भी जो है आपको नज़र आ जाएगा जो है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सवाल यही पैदा होता है कि जो ये रिलेशंस थे ये कैसे चले, भारत बांग्लादेश रिलेशन जो है किस तरह आगे बढ़े, इन सारी चीज़ों को जो है समझने की ज़रूरत है। तो 2021 बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो गए हैं, और भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं उनको भी 50 साल हो चुके हैं। हमारे प्रधानमंत्री सीधा जो है ढाका जाते हैं 2021 में जो है, और वहाँ पे जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, क्योंकि 2021 में 50 साल पूरे हुए थे आज़ादी को बांग्लादेश की, तो वहाँ पे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हो रही थी। और वहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री को भी जो है उनको बुलाया गया, और वो वहाँ पे गए उस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस में बांग्लादेश की। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अगर आप देखें कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल रहा है बांग्लादेश की आज़ादी में, और भारत कहीं ना कहीं वो पहला राज्य था, पहला देश था जिसने बांग्लादेश को एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ स्टेट जो है रिकॉग्नाइज किया था 1971 में जो है, ठीक है ना। उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो 1970-71 के जो इलेक्शंस हुए पाकिस्तान के अंदर, मैंने कल भी आपको बताया, वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी जो है जीत रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वहाँ के पाकिस्तानियों को पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स जो है उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि बंगाली जो है अब यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, तो अल्टीमेटली आर्मी जो है आर्मी को लॉन्च कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर आर्मी ने जो है उस पर जो है अटैक किया, लोगों को मारना शुरू किया बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं। और उस टाइम पे बांग्लादेश में जो है एक फौज भी बनी, ठीक है ना, मुक्ति वाहिनी जो है, एक वहाँ पे जो है एक ग्रुप बना जो आज़ादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। उसके बाद लाखों में जो है लोग इंडिया में भी जाने लगे, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो इश्यू भी हो गया अपने सीमाओं का। और भारत ने उसके बाद जो है फिर बांग्लादेश में जो है वॉर में इसलिए पार्टिसिपेट किया, मैंने कल आपको बताया था कि क्योंकि वेस्टर्न साइड से जो है पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था, तो अल्टीमेटली इंडिया जो है उसने वो उसमें गया। और आप जानते हैं कल डिटेल में आपको पढ़ाया, ऑलमोस्ट 90,000 कैदी जो हैं उस युद्ध में जो है इंडिया ने पाकिस्तान के पकड़े। इंडिया के लिए मकसद जो भी था, सारी की सारी चीज़ें थी, हमने वहाँ उन सारी चीज़ों को सुना, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट थी, एक स्वतंत्र देश उभर कर सामने आया। इंडिया ने 1972 में पाकिस्तान के साथ शिमला एग्रीमेंट किया। अब आप ये चीज समझें कि पाकिस्तान, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली जो है इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता रहता है, कभी अमेरिका, कभी दूसरे देशों के जरिए जो है यूएनओ का प्लेटफॉर्म लेके जो है वो वहां पे बोलता है कि कश्मीर जो है वो एक इंटरनेशनल इश्यू है, एक जो है विवादित जो है इश्यू है, एक विवाद है, कहीं ना कहीं जो है उसको जो है उसका सलूशन, उसका समाधान होना चाहिए। जब 1972 में भारत के पास बहुत बड़ा मौका था,
अगर आप देखें तो भारत में बड़ा लिबरली जो है, एक पड़ोसी की रिस्पेक्ट करते हुए, बहुत सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए, भारत चाहता तो और भी बहुत सारी चीज़ें मांग सकता था उस टाइम पे। एक स्ट्रांग एग्रीमेंट, एक मजबूत समझौता जो है कर सकता था उस टाइम पे जो है। बट अल्टीमेटली आप ये चीज़ समझें कि भारत ने देखा कि ये हर एक प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान कश्मीर इशू को बुलाता है। भारत ने सबसे पहले इस समझौते में क्या किया, शिमला एग्रीमेंट में, कि भाई देखो जो सीज फायर लाइन है वो कहलाएगी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हमारा हमारे बीच जो मुद्दा है, जो विवादित मसले हैं हमारे बीच जो है, उनका समाधान, उनका सोल्यूशन हम खुद करेंगे दोनों बैठ के, इंडिया और पाकिस्तान। हम तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ये शिमला एग्रीमेंट में लिखा था उस समझौते में, और साइन किया था उस टाइम पे पाकिस्तान ने भी। इसलिए जब भी आप देखें कभी अमेरिका जो है आता है बीच में, बोलता है मैं कश्मीर इशू का जो है कोई सोल्यूशन निकालने के लिए मैं हेल्प करूंगा, मैं बीच में आके मेरिट में जो है मीडिएट करूंगा, या कभी चाइना बोलता है, तो इंडिया उस टाइम पे सीधा सीधा बोलता है कि भाई ये तो हमारा बाइलेटरल मसला है, बाइलेटरल इशू है, ये हमारा आपस में विवाद है, हम इसको खुद निपटाएंगे। शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौते के हिसाब से हमने इसे खुद निपटाना है, बीच में कोई भी दूसरा देश नहीं पड़ेगा इसके अंदर जो है। तो इंडिया ने सिर्फ इस चीज को, क्योंकि बार बार ये इंटरनेशनलाइज कर रहा है कश्मीर इशू को, कभी जो है अरब लीग वाले बोलते हैं, कभी कोई बोलते हैं, ये एग्रीमेंट जो है उसमें भारत ने सिर्फ मेन चीज ये ली पाकिस्तान से कहीं ना कहीं, कि भाई देखो ये हमारा बाइलेटरल इशू है और इस कश्मीर इशू को हम दोनों आपस में खुद निपटाएंगे, हम तीसरे मुल्क को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, किसी तीसरे को इन्वॉल्व नहीं। अब यहां तक कि यूएनओ भी इन्वॉल्व नहीं होती है, वो कहते हैं यूएनओ पे जाते हैं पाकिस्तान, वो बोलता है भाई हमने तो शिमला एग्रीमेंट किया आपस में, पाकिस्तान ने किया है समझौता जो है। और साथ में इंडिया ने फिर सारे के सारे कैदी जो है छोड़ दिए, सारी चीजें, इंडिया चाहता तो और बहुत सारी चीजें कर सकता था। तो सारी चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तभी मज़ा आएगा, क्योंकि खाली ये ऐसा नहीं है कि कोई बांग्लादेश कोई दूसरे कोने में है, पाकिस्तान कहीं और है, आप ये चीज़ समझें कि सारे देश साथ साथ हैं। तो भारत की विदेश नीति जब चलती है तो वो इन सारे चीज़ों को देखता हुआ नजर आता है। भारत के लिए जब वो बांग्लादेश से संबंध बनाता है, उसके साथ कुछ एग्रीमेंट्स करता है या बहुत सारी चीज़ें करता है, तो वो खाली बांग्लादेश को नहीं देखता है, वो देखता है कि बांग्लादेश के संबंध दूसरे देशों से कैसे हैं, और उनमें से बांग्लादेश के संबंध उन देशों से कैसे हैं जो कहीं ना कहीं भारत के दुश्मन हैं या भारत के कंपटीटर हैं, जिनसे भारत के कुछ संघर्ष हैं, कन्फ्लिक्ट हैं। तो वो सारे एंगल इंडिया देखता हुआ नजर आता है, चाहे वो पाकिस्तान एंगल हो, चाहे वो चाइनीज एंगल हो, ठीक है ना। तो भारत ने इसलिए इस शिमला समझौते में ज्यादा ऐसा कुछ वो चीजें नहीं मांगी। अच्छा, 1960 की इंडस ट्रीटी, ठीक है ना। अब भारत ने बड़ा दिल दिखा के 80% पानी पाकिस्तान को दिया, और उस ट्रीटी में यह भी कहा गया कि ठीक है पानी ये जा रहा है पाकिस्तान के पास, तीन बड़े बड़े रिवर्स का 80% पानी पाकिस्तान के पास जा रहा है, लेकिन भारत से होके जा रहे हैं सारे के सारे रिवर्स, सारे के सारे दरिया भारत की जमीन से होके जा रहे हैं। तो भारत इन रिवर्स पे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स जो है बना सकता है, हाइडल प्रोजेक्ट्स बना सकता है, ठीक है ना। पानी ज्यादा सेव नहीं कर सकता है पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पीने के लिए, उस चीज के लिए तो नहीं कर सकता, बट रन ऑफ द रिवर पानी बह रहा है, आप डैम बना के जो है आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ये आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। भारत ने बहुत सारे फिर बनाए, मैंने आपको बताया था, जैसे तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है आपका, बगलिहार है आपका जो है, रेटल प्रोजेक्ट है, सारे के सारे जो है। पाकिस्तान को इस पर भी मसला है कि भाई ये ऐसे कर रहा है, ये वो चीजें कर रहा है, ये बना रहा है। ऑफ लेट पिछले कुछ सालों में भारत ने कहीं ना कहीं जो है अपनी जो एक रक्षात्मक जो विदेश नीति थी उसको थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं जो है उसको थोड़ा सा उस पर विराम देके एक कहीं ना कहीं जो है एग्रेसिव जो है फॉरेन पॉलिसी अपनाई है, ठीक है ना। और उसमें कहीं ना कहीं भारत ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर मैंने तुम्हें 80% पानी दिया, और आज पानी का बहुत बड़ा मसला है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, तो क्यों ना हम इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से थोड़ा सा बदलें, क्योंकि उसके अंदर ये प्रावधान है ट्रीटी के अंदर, उस संधि के अंदर, कि अगर आपको लगता है कि कुछ मसले हैं तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं। खैर ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए भी है, बहुत सारी चीजें, बट कोई कह सकता है इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी चीज परमानेंटली नहीं होती है, ना कोई आपका परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट आपका दुश्मन है, ना ही कोई आपका परमानेंट हित है, आपका नेशनल इंटरेस्ट कोई भी ऐसा परमानेंट नहीं होता। कुछ नेशनल इंटरेस्ट आपके परमानेंट होते हैं, ठीक है ना, आपकी बाउंड्री, आपकी सीमाएं, आपकी सिक्योरिटी, ये सारी की सारी चीजें। तो भारत अब इन सारी चीजों को देखता हुआ नजर आ रहा है। खैर बहुत सारी चीजें हैं, अगर यहां से ये रिवर्स आ रहे हैं तो ऊपर से ब्रह्मपुत्र भी आ रहा है, ठीक है ना, और वहां उसका ओरिजिन तिब्बत से हो रहा है और वो चाइना के पास है,
तो चाइना भी वहाँ पे बड़ी बड़ी डैम्स बना रहा है, ठीक है ना। जब हम भारत और चाइना के रिलेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र है, ये ऊपर चाइना से आ रहा है, तो यहाँ पे चाइना डैम्स बना रहा है। और अगर चाइना ने बाई चांस मान लीजिए कभी जो है कभी बहुत ज़्यादा जो है तूफान आ गया, या ऐसी कोई चीज़ें हुई, या कोई मसला हुआ, या मान लीजिए रिलेशन ख़राब है इंडिया से, या कोई युद्ध है, तो हो सकता है चाइना यहाँ से जो है उन पानी छोड़ दे और यहाँ पे भारत में फ्लड आ जाए, फ्लडिंग हो जाए, ठीक है ना। तो सारी की सारी इक्वेशंस चलती रहती हैं, ये सारे के सारे मसले चलते रहते हैं। तो खैर उस टाइम पे इंडिया ने जो है बांग्लादेश का साथ दिया, और बांग्लादेश कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का बांग्लादेश को एहसास है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखें जब बांग्लादेश की ये वॉर चल रही थी, ठीक है ना, इंडिया ने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 करोड़ बांग्लादेशियों को जो है शेल्टर दिया था। 10 करोड़ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को कहीं ना कहीं शेल्टर दिया था अपने अपनी ज़मीन पर, जब वो युद्ध चल रहा था सारा का सारा जो है, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया ने बांग्लादेश, यानी कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश की हेल्प की मिलिटेरली जो है, उसकी हेल्प की कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। सो ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें थी कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखें जो पहली गवर्नमेंट बनाई शेख मुजीबुर रहमान ने, वो उन्होंने बनाई थी थिएटर रोड में, वहां से गवर्नमेंट बनी थी। थिएटर रोड जो है आपकी वो कैलकटा में है, तो यहां से जो है शेख मुजीबुर रहमान ने जो है गवर्नमेंट अपनी बनाई थी। खैर बाद में वो चले गए थे, बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे, मतलब उस टाइम पे यहां पे उन्होंने जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है। अब बांग्लादेश की आज़ादी के बाद और अलग अलग वहाँ पे गवर्नमेंट्स आई कहीं ना कहीं जो है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं एक पेंडुलम की तरह जो है चलते रहते हैं, ठीक है ना। कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। आप देखें कि शेख मुजीबुर रहमान, उनको मार दिया जाता है, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया जाता है 15 अगस्त 1975 को, ठीक है ना। जब उनको मार दिया जाता है तो वहां पे मिलिट्री रूल आ जाता है बांग्लादेश के अंदर जो है, ठीक है ना। अल्टीमेटली जनरल जियाउर रहमान प्रेसिडेंट बनते हैं वहां पे, जनरल जियाउर रहमान बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बनते हैं। इनको भी मार दिया जाता है 1981 में, यानी कि पहले शेख मुजीबुर रहमान की असैसिनेशन होती है, उसके बाद जो है 1981 में शेख जनरल जियाउर रहमान की जो है असैसिनेशन होती है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और 1982 से लेके 1991 तक जनरल H.M. इरशाद जो हैं ये रूल करते हैं बांग्लादेश में जो है, ठीक है। और 1991 में वहाँ पे बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आ जाती है, इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस में जो है वहाँ से आगे जो है डेमोक्रेसी आपको जो है चलती हुई नज़र आती है कहीं ना कहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें एक बैकग्राउंड देने की ज़रूरत थी आपको जो है। मकसद ये था कि आपको समझाया जाए, आपको बताया जाए कि क्या बैकग्राउंड है। आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि किस टाइम पे कौन था, क्या नहीं था, क्या चीज़ें थी। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपके सामने भारत बांग्लादेश संबंधों की बात कर रहा हूँ तो आपके माइंड में एक रफ आइडिया होना चाहिए कौन था पहला प्रेसिडेंट, जियाउर रहमान कौन थे, मुजीबुर रहमान कौन थे। शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी है शेख हसीना, जो आज बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उसी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं जो बांग्लादेश के फाउंडर थे, जिन्होंने बांग्लादेश बनाया 1971 में, ठीक है ना। तो जियाउर रहमान की बेटी हैं खालदा जिया, जो शायद अभी भी जो है कभी नजरबंद रहती हैं, कभी जेल में रहती हैं। तो जब भी शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आती है तो संबंध बहुत अच्छे, मतलब उनकी बेटी की पार्टी आती है तो संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जब खालदा जिया उनकी पार्टी आती है या कोई दूसरी आती है तो रिश्ते थोड़े से जो हैं खराब हो जाते हैं, रिलेशन या ऐसी तरह की चीज़ें जो है चलती हुई नजर आती हैं कहीं ना कहीं जो है।
प्रेम प्रताप, अगर बुक की जरूरत होती तो फिर आप यहाँ क्लास क्यों कर रहे हैं बेटा? इतना डिटेल में आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, आपको बुक की जरूरत ऐसे नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? यहाँ बहुत डिटेल में सारी की सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको, जो ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है, कुछ बच्चों को ये चीज रहती है कि भाई टीचर किसी बुक का नाम लेगा तो शायद वो इम्प्रेस हो जाते हैं टीचर से, फैकल्टी से, ऐसी कोई चीजें होती हैं, या एक्साइटमेंट होती है बच्चों में कभी कभी जो है। तो बेटा बहुत सारी बुक्स हैं, डज द एलिफेंट डांस डेविड मेलोन की बुक है, जो है पैक्स इंडिका शशि थरूर की बहुत मोटी बुक है तो बहुत सारी बुक्स हैं बेटा। खैर, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक लेवल पर अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जो है, ठीक है ना, तो वो राजीव सिकरी की एक बुक है, अपडेट नहीं है, राजीव सिकरी की बुक अपडेटेड नहीं है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी की अच्छी बुक है ये, आराम से मिल जाती है आपको, राजीव सिकरी की इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, वो आप ले सकते हैं। खैर, तो ये था सारा का सारा एक जो आपके सामने एक डिटेल बैकग्राउंड जो है इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की, ठीक है ना। अगर आप देखें लास्ट कुछ सालों में बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नजर आती है, राजनीतिक तौर पे बांग्लादेश स्टेबल है, इलेक्शंस होते हैं, सारी की सारी चीजें अच्छी से चलती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है वहां पे बहुत ज्यादा जो है, आर्थिक विकास हुआ है बहुत ज्यादा पिछले कुछ सालों में जो है, और कहीं ना कहीं भारत का एक बहुत अच्छा जो है पार्टनर बनता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं जो है। भारत हमेशा से एक्टिव इंगेजमेंट जो है, एक्टिवली कहीं ना कहीं जो है भारत जो है उसके साथ संबंध बनाता हुआ नजर आता है, और अल्टीमेटली लास्ट कुछ सालों से भारत अपनी पॉलिसी को ईस्ट की तरफ लेके जा रहा है, ईस्ट है ना, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली जो है ये चीज हमेशा से जो है नजर आ रही है, ठीक है ना। और ईस्ट के लिए जो है बांग्लादेश ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बांग्ला भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के साथ रिलेशन जो है बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए जो है, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको नजर आती हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। एक डिटेल वे में आप इन सारी चीजों को जो है समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो है, डिटेल वे में ये सब चीजें जो है आपके सामने जो है लाई जाती हैं। तो अब एक बैकग्राउंड में जाके अलग अलग इश्यूज देखेंगे, सारी चीजों को जो है लिखेंगे कहीं ना कहीं जो है, तो उन सारी चीजों को समझेंगे, क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है, वन बाय वन सबको समझेंगे। नोट्स मैं भेज चुका हूं, मुझे लगता है आपको नोट्स मिल चुके होंगे, मैंने इंडिया बांग्लादेश के नोट्स भी भेज दिए हैं, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के नोट्स भी जो है मैं आप सब बच्चों को जो है भेज चुका हूँ। नेहा सुहेल, अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी का मतलब ये है कि आप भारत जो है कहीं ना कहीं एकदम जो है हार्ड, मतलब एक हार्ड पावर की तरह जो है सामने आ रहा है। कभी कभी होता है ना कि प्यार से बात करते हैं पड़ोसियों से, भाई मान जाओ मान जाओ, जैसे अपने मोहल्ले में कोई बंदा है, कोई आपको पड़ोसी परेशान कर रहा है, आप प्यार से बोलोगे, जब ज्यादा वो मसला करेगा फिर आप बोलोगे हाँ भाई ये जो गली है हम दोनों की, ये मैंने तुझे दी हुई थी, इसमें आधा रास्ता मेरा था, ला भाई आधा रास्ता वापस दे मुझे मेरा, है ना। या भाई तू मेरी गली से जब मेरे रास्ते से जाता है, ठीक है, या तुम गाड़ी लगाता है मेरे जो है दुकान के बाहर जो है गाड़ी पीछे कर, है ना। तो यहाँ आप एग्रेसिव हो रहे हो, ठीक है ना, पहले आप विनम्रता से पेश आ रहे थे प्यार से, हाँ ठीक है यार पड़ोसी है सब चीजें चल जाती हैं, ये चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है समझने की जरूरत है आप सबको जो है। अब डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे और भारत बांग्लादेश रिलेशंस को हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं कहीं ना कहीं जो आपको जो है समझने की जरूरत है कहीं ना कहीं जो है। अभी लेटेस्ट जो है फॉरेन मिनिस्टर आपके सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी कहा कि भारत और बांग्लादेश के जो रिलेशंस हैं, जो संबंध हैं, उनके अंदर ये क्षमता है कि वो इस पूरे साउथ एशिया की जो है जियोपॉलिटिक्स बदल के रख देंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा विकास होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है कहीं ना कहीं जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं। अगर आप बांग्लादेश की सिग्निफिकेंस देखें कहीं ना कहीं जो है, अगर आप बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस को समझें, बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस क्यों है, सबसे पहले कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी टू नॉर्थ ईस्ट, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसकी सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए बांग्लादेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि एक तो हमें कनेक्टिविटी चाहिए वहाँ पे, हम कैसे वहाँ जो है वो करें, दूसरा हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत ने 1990 के दशक में, 1991 1992 के बाद जो है
एक पॉलिसी लाई थी, एक सिद्धांत लाया था, लुक ईस्ट पॉलिसी। ये इसलिए लाई थी क्योंकि 1990 से पहले भारत के सोवियत संघ से बहुत अच्छे रिलेशन थे, बहुत अच्छे संबंध थे, वो अमेरिका से दूर था। जब वो अमेरिका से दूर था तो भारत के ईस्ट में जो अलग अलग देश आपको नज़र आते हैं, ठीक है ना, तो उनसे भी भारत के रिलेशन जो हैं सही तरह से नहीं चल रहे थे। तो जब सोवियत संघ टूट गया 1991 में, भारत ने एलपीजी पॉलिसी लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपने बाजार को, अपने व्यापार को, अपना जो है अर्थव्यवस्था को खोल दो बाकी देशों के लिए, उनकी कंपनीज के लिए। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी जो है बड़े लंबे तरीके से चलाई, पहले भी प्राइवेटाइजेशन थी, पहले भी जो है लोग जो है अलग अलग फैक्ट्रीज चलाते थे, इसको और ज़्यादा जो है ओपन कर दिया। ग्लोबलाइजेशन कनेक्ट हो गया जो है, भूमंडलीकरण हुआ, इससे भारत जो है कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी मार्केट की तरह जो है सामने आता हुआ नजर आया, खास तौर पे वो देश जहां पे डेमोक्रेसी और ये सारी चीजें थी। तो भारत के ईस्ट की तरफ जो है अगर आप देखें, पूरब की तरफ आप देखें, तो वहां बहुत सारी कंट्रीज थी और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसके अंदर 10 देश हैं। फिलीपींस है आपका, आपका थाईलैंड है, आपका मलेशिया है, आपका इंडोनेशिया है, आपका वाइटनाम है, ये सारे के सारे देश बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमीज के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं ये विश्व की। इनको टाइगर इकोनॉमीज के नाम से जाना जाता है, इतनी फास्ट इकोनॉमीज हैं कि टाइगर इकोनॉमीज कहा जाता है इन्हें। जिस तरह शेर जो है टाइगर तेज जो है, चीता जो है तेजी से भागता है, इस तरह ये इकोनॉमी तेजी से ग्रो करती हुई नजर आ रही है। तो भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी लाई और अपने रिलेशन जो है अच्छे करना शुरू किए जो उसके ईस्ट ईस्ट की तरफ जो है देश थे, ठीक है ना, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इन सब से रिलेशन बनाए। इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को जो है आगे कैरी ऑन किया 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाई। उन्होंने कहा खाली यहां तक नहीं जाओ, हम आसियान से भी आगे जाएंगे, और हम जो आपके जो है बिल्कुल ईस्ट में जापान है, ठीक है ना, साउथ कोरिया है, उनसे भी हम और ज़्यादा संबंध बनाएंगे, आर्थिक संबंध बनाएंगे, इससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, विकास भी हो गया होगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम करेंगे। तो 2014 के बाद ये पॉलिसी, ये सिद्धांत जो है लाया जाता है, ठीक है। इसलिए बांग्लादेश की इंपॉर्टेंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्यों ज़रूरी है कि भाई अगर भारत को ईस्ट की तरफ जाना है तो भारत ईस्ट की तरफ किस तरह जाएगा, जो है भारत ईस्ट की तरफ किस तरह जाएगा, भारत ईस्ट की तरफ बांग्लादेश से होके जाएगा। क्योंकि अगर आप भारत को ध्यान से देखें तो यहां पे नेपाल है आपके पास, ठीक है ना, यहां पे आपका भूटान है, यहां छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह है, ये हमारा सिक्किम है, हमारा स्टेट है सिक्किम, और यहां छोटी सी जगह है जिसको चिकन नक कॉरिडोर कहा जाता है। चिकन होता है चिकन, मुर्गी है, मुर्गी की गर्दन होती है ना, ऐसे ये गर्दन निकल गई तो निकल जाएंगे। तो भारत पूरा का पूरा भारत यहां पे है, इस छोटी सी जगह से भारत जुड़ा जोड़ता है अपने आप को, कहां पे, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स हैं भारत की, ठीक है ना, गुवाहाटी है आपका, आपका मणिपुर है, आपका जो है आसाम, बाकी सारे के सारे जो हैं। तो अगर भारत को आगे जाना है, यहां से आगे और बहुत सारे देश हैं यहां पे आगे ना, यहां पे आपके आगे जो है जो है पूरा मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे के सारे, तो भारत जाएगा कैसे? तो सड़क वाला रास्ता तो ये है ना, सड़क बनाओगे या ट्रेन बनाओगे, रेलवे बनाओगे, तो यहां से जाओगे आप जो है। तो इसलिए ये कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन देशों के साथ कैसे हम कनेक्टिविटी बना, इन इन स्टेटों के साथ, इन राज्यों के साथ कैसे कनेक्टिविटी बनाएंगे, ये तो हमारे अपने राज्य हैं सारे के सारे जो है, इसलिए जो है ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है। तो इसलिए आपका बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, इन दोनों चीजों के अलावा एक और इंपॉर्टेंस है, और वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी बांग्लादेश बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इंडिया के लिए। एक बार फिर से देखेंगे, अगर बांग्लादेश में आतंकी होंगे, यहां पे आतंकियों के बड़े बड़े गुट अगर जमा हो जाएंगे यहां, या यहां पर पाकिस्तान का प्रभाव होगा, तो यहां खतरा है, यहां से जो है अटैक हो सकता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी, यहां सुरक्षा कैसे मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ बंगाल की खाड़ी से जो है अटैक हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो भारत को इन चीजों का जो है बहुत जरा ध्यान रखना है, और इसके लिए बांग्लादेश भारत के लिए जरूरी बन जाता है कहीं ना कहीं, उससे अच्छे संबंध जो है भारत के लिए बहुत ज्यादा जो है जरूरी बन जाते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो
ये बहुत सारी चीज़ें हैं उनके अंदर जो है, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आती हैं, ठीक है ना। अगर आप देखें मिलिट्री कॉपरेशन भी हुई है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, आप इसमें कॉपरेट करती हुई नजर आती हैं सेनाएं जो हैं, ठीक है ना, जो आर्म फोर्सेस हैं, जो सेनाएं हैं दोनों तरफ से जो हैं, वो रेगुलरली जो है क्या करती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, ड्रिल करती हैं, ज्वाइंट ड्रिल करती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो संप्रीति, ये क्वेश्चन अगर प्री में आएगा आपको कि संप्रीति जो है ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई है कौन सी दो सेनाओं के बीच में हुई है, तो आप बोलोगे ये भारत और इंडिया बांग्लादेश के बीच में हुई है। इसी तरह एक्सरसाइज मिलान, ठीक है ना, ये भी किसके बीच में हुई है, ये भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुई है, यानी कि दोनों की मिलिट्री जो है आपस में इकट्ठे होकर जो है ड्रिल करती हैं, कभी जो है समुद्र पे जाके करती हैं, कभी लैंड पे करती हैं, आपस में इकट्ठे कॉपरेट करती हैं, इकट्ठे जो है कि भाई कभी कोई अटैक हुआ या कोई चीज़ हुई तो हम इकट्ठे जो है, ठीक है, तो इस तरह की ड्रिल्स वगैरह जो है होती रहती हैं सारी की सारी जो है, ठीक है ना। उसके अलावा इंडिया ने ऑलमोस्ट 500 मिलियन डॉलर जो है लोन दिया है, ठीक है ना, लोन दिया है, ठीक है ना, क्रेडिट दिया है बांग्लादेश को जो है, ठीक है ना, क्यों दिया है, फॉर डिफेंस इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया, कि भाई अगर आप हमसे हथियार खरीदोगे तो ये लो 500 मिलियन डॉलर हमसे जो है, ठीक है ना, ये अच्छा है ना, दूसरे को उधार दो कि भाई आओ हमसे चीजें लो, है ना, हमसे असला बारूद लो, हमसे हथियार लो, तो ये मिलिट्री कॉपरेशन नजर आती है आपको जो है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप देखें ट्रेड कॉपरेशन भी बहुत ज्यादा है, ट्रेड कॉपरेशन यानी कि व्यापार कितना होता है हमारे बीच में, या इसको आप इकोनॉमिक कॉपरेशन भी कह सकते हो, तो व्यापार भी बहुत अच्छा जो है चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है साउथ एशिया में, साउथ एशिया में जो 8 देश हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यापार इंडिया किससे करता है, बांग्लादेश के साथ, तो बांग्लादेश इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, सबसे ज्यादा व्यापार बांग्लादेश से करता है इंडिया। ठीक है ना, साउथ एशिया में जो है बांग्लादेश इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन साउथ एशिया। ठीक है जी, ये चीजें चलती हुई नजर आती हैं। अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इंडिया ने जो है 2018-19 में, ठीक है ना, जो लेटेस्ट फिगर यही है, लेटेस्ट फिगर जो आती है हम उसी हिसाब से वो लाते हैं, भले ही 2022 चल रहा है लेकिन लेटेस्ट फिगर जो हमारा व्यापार है, इंडिया ने ऑलमोस्ट 9.2 बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है एक्सपोर्ट की हैं, ठीक है ना, तो ये इंडिया का एक्सपोर्ट है, जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, जो आइटम्स और सर्विसेज जो है इंडिया ने बांग्लादेश को दी हैं, या जो गुड्स इंडिया ने यहाँ से जो है भेजे हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। और उसके अलावा इंडिया ने वहां से 1.04 बिलियन डॉलर की जो कम्युनिटीज हैं वो इम्पोर्ट की हैं बांग्लादेश से, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, बांग्लादेश सिर्फ अराउंड 1 बिलियन डॉलर ही जो है, उस 1 बिलियन डॉलर की चीज़ें जो है बांग्लादेश ने इंडिया को बेची हैं, जबकि इंडिया ने ऑलमोस्ट 9 बिलियन डॉलर की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है इंडिया जो है बांग्लादेश को भेजी हैं। सन्नी राम बेटा ध्यान से सुना करो, मैंने ये नहीं बोला बेटा इंडिया को, इंडिया ने पैसा दिया, मैंने बोला इंडिया ने लोन दिया बेटा, इसलिए कहते हैं ना जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, ये लोन दिया है 500 मिलियन डॉलर का, ठीक है ना, सॉफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट जो है बेटा, ठीक है, ये भारत वापस लेगा जो है, ठीक है, तो ये चीजें नजर आती हैं। उसके बाद बहुत सारे बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स पे भारत जो है कस्टम ड्यूटी नहीं लगाता है, ठीक है ना, कोई भी टैक्स नहीं लगाता है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने जो है ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री एक्सेस दिया हुआ है बांग्लादेश को जो है, ठीक है ना, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है आपका साफ्ता, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था, साफ्ता में कोशिश की गई कि जो साउथ के सारे देश हैं आपस में जब वो प्रोडक्ट बेचेंगे तो उस पर ड्यूटीज नहीं लगनी चाहिए, टैक्सेस नहीं लगनी चाहिए, आपको ये चीज समझने की जरूरत है।
कि कोई भी देश जब बाहर से कोई चीज़ मंगाएगा तो वो उस पर टैक्स लगाता है। दो चीज़ें हैं, एक तो उसको रेवेन्यू आता है, ठीक है ना, इनकम आती है टैक्स से, दूसरा ये कि उसको अपने प्रोडक्ट भी बचाने हैं। वो ध्यान रखेगा कोई ऐसा प्रोडक्ट ना आए जो भारत में पहुंचे और भारत में भारत के प्रोडक्ट से, भारत की जो वस्तुएं हैं उनसे ज़्यादा सस्ता हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए भारत में जो है कनाडा से चावल आ जाते हैं जो भारत के चावलों से भी सस्ते हैं, तो लोग कनाडा के चावल खरीदेंगे और यहाँ के किसानों को नुकसान हो जाएगा, या इस तरह की और बहुत सारी आइटम्स हैं, ठीक है। तो भारत क्या करता है, टैक्स लगाता है बहुत ज़्यादा। जो है फॉर एग्जाम्पल आईफोन आता है अमेरिका से, तो भारत उस पर ऑलमोस्ट 40% टैक्स लगा देता है, ठीक है ना बेटा। साफ्ता जो है ये एक एग्रीमेंट का नाम है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। ये है साफ्ता, जो साउथ एशिया के जो देश हैं कहीं ना कहीं जो है उनके बीच में ये एग्रीमेंट है सारा का सारा जो है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भारत आएगा, ठीक है ना, उसमें भूटान भी है, नेपाल भी है, नीचे श्रीलंका है, उस तरफ जो है पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है। तो इन सब देशों ने आपस में जो है क्या है साफ्ता किया था 2011 में, के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है और ज़्यादा जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड जो है इंडिया ने दिया है उसको जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं नज़र आती हैं डिटेल्ड वे में कहीं ना कहीं जो है, जिनको आप लेके आगे बढ़ते हैं। इसी तरह एनर्जी कॉपरेशन भी है दोनों के बीच में, ठीक है ना, एनर्जी कॉपरेशन भी है उनके बीच में। और इसके अंदर जो है इंडिया जो है बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी जो है भेजता है, ठीक है ना, बांग्लादेश के घरों को जो है इंडिया से लाइट मिलती है, ठीक है ना। इसके अलावा इंडिया और रशिया ने दोनों ने मिलके जो है बांग्लादेश में एक पावर प्लांट है, बांग्लादेश का एक पावर प्लांट है जिसका नाम है रोपर एटॉमिक पावर प्लांट। इस प्लांट को रशिया और इंडिया जो है वो दोनों के दोनों जो है डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना, इंडो रशिया जॉइंट वेंचर है ये बांग्लादेश में ये प्लांट जो है बनाया है इन्होंने, ठीक है ना। ये चीज़ें चलती हुई नज़र आती हैं। मनीकांत साफ्टा के अंदर साउथ एशिया के 8 देश आते हैं बेटा, बेफिक्र रहे हैं बेटा। साउथ एशिया में एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे फेलियर ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, जिनका आपस में ट्रेड सिर्फ जो है अराउंड 4 से 5% है। इसके बारे में अलग से बेटा पढ़ाऊंगा मैं आपको, तो मैं बता दूंगा सारा का सारा जो है आपको। मैंने कल भी बताया था आपको जो है कि साउथ एशिया में आपका इंडिया आता है, भारत, बांग्लादेश, ठीक है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब आते हैं उसमें। एनीवेज उसके अलावा इनके अंदर जो है कनेक्टिविटी को लेके भी बहुत ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं जो है हेल्प मिल रही है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। भारत और बांग्लादेश ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, ट्रांजिट एग्रीमेंट। ट्रांजिट एग्रीमेंट ये वो समझौता है जिसमें भारत ने जो है, ठीक है ना, कहा था बांग्लादेश से कि भाई आप जो है ट्रांजिट फैसिलिटी दो अपनी ज़मीन, आप अपने एरिया से हमें जाने दो कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो इसमें जो है बांग्लादेश ने ट्रांजिट फैसिलिटीज दी थी इंडिया को जो है 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जो है, ठीक है ना। कहा था इन लैंड वाटर, जो दरिया जो है बह रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे बीच में। आप ये चीज़ याद रखें कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में 54 रिवर्स बहते हैं, 54 रिवर्स बहते हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में। मतलब जो भारत से बांग्लादेश आते हैं, ठीक है ना, या बांग्लादेश से आगे जाते हैं भारत के एरिया में जो है। तो ये एग्रीमेंट था किस पे, इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर होता है भाई बांग्लादेश के अंदर जो दरिया बह रहे हैं उसमें भारत जो है उन दरियाओं का जो है सहारा लेके वहां पे अपनी बोट्स, अपनी शिप्स वगैरह जो है बेच सकता है, ठीक है ना। इसी तरह जो है रेल एग्रीमेंट भी हुआ था, भारत ने कहा था कि भाई अपने
जगह से अपनी अपनी जो है अपने भौगोलिक क्षेत्र से जो है हमारी रेल भी जाया करेगी जो है वेस्ट बंगाल से। और कोस्टल शिपिंग क्या होता है, समुद्री रास्ते से जो है बांग्लादेश के बीच से जो है हम कोस्टल शिपिंग भी कर सकते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं, यानी कि यहाँ से भारत की ट्रेन जाएगी बांग्लादेश के बीच से, ऐसे भी जा सकते हैं, कोस्टल शिपिंग भी हो सकती है, बांग्लादेश के साथ से जो है जा सकते हैं वो जो है, ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। फिर यहाँ पे ये इंडिया की स्टेट्स हैं, आप ये चीज़ देखें, ये भारत की स्टेट्स हैं, यहाँ पे मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारी की सारी जो है, और कोस्टल एरिया, और उसके अलावा जो है रेलवे वगैरह, और बीच में जो रिवर जा रहा है, कहा अगर यहाँ से भी हमारी शिपिंग हो सकती है, जैसे ये गंगा जा रही है बीच, या ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, तो इसकी जो है बात की गई कहीं ना कहीं जो है 2010 में ये ट्रांजिट एग्रीमेंट जो है साइन हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है उसका नाम है BBIN, BBIN क्या है ये, बांग्लादेश भूटान नेपाल, बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया, ठीक है जी। BBIN क्या है ये, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। जब ये फाइनलाइज हो गया, जिस दिन ये समझौता हो गया और हमारी रोड्स बनना शुरू हो गई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है शुरू होने वाला है, ठीक है ना, ये कहीं ना कहीं जो है चौथा मोड़ दे देगा। एक तो आप दरियाओं से जाते हो बांग्लादेश के थ्रू, एक आप जो है रेल से जाते हो बांग्लादेश के थ्रू, एक आप कोस्टल एरिया से जाते हो। अब जब ये आ जाएगा, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं, फिर जो है बसें भी चलेंगी कहीं ना कहीं, और बहुत बड़ा बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ उसके बारे में जो है, ये रहा आपका बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, नेपाल कॉरिडोर, आप देखें कि हमारी बसें कैसे जाएंगी, ठीक है ना। तो भुवनेश्वर से जो है हमारी जो है रोड बनती हुई, यहाँ से रांची, रांची से पटना, पटना से जो है हम नेपाल जाएंगे, नेपाल से होते हुए जो है हम इस तरह से जो है यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है आपका, ठीक है ना, ये यहाँ वेस्ट बंगाल में है, ये हमारी जगह है। यहाँ से सिक्किम से होते हुए ऊपर जाएंगे आप, और आप भूटान में पहुंच जाएंगे थिम्पू में, और थिम्पू से होते हुए आप भूटान से होते हुए आप अंदर जाएंगे, और भूटान के बीच से होते हुए जो है आप मोंगा से होते हुए, बामठंग से होते हुए गुवाहाटी आएंगे, गुवाहाटी से आप सीधा बांग्लादेश पहुंचेंगे सिलहत, सिलहत से आप सीधा जो है ढाका में पहुंचेंगे, और बीच में अगरतला को भी जो है टच करेंगे। अगरतला जो है आपका इंडिया का जो सिटी है, यहाँ से चित्तागांव पोर्ट से भी ये रास्ता वहाँ जाएगा, वहाँ से फिर आप ढाका पहुँचोगे, और ढाका से आप सीधा कोलकाता पहुँचेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत एम्बिशियस हमारा ये प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, कम्युनिकेशन होगी। सबसे बड़ा रीज़न अगर आप देखते हो, साउथ एशिया में इतना कम ट्रेड है, इतना कम व्यापार है, और आपस में इतनी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है आपस में सारे देशों के बीच में। क्यों नहीं है, खैर आतंकवाद का मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, हर एक देश कहीं ना कहीं उसी हिसाब से देखता है। बांग्लादेश को लगता है कि अगर ज़्यादा इंडिया को एक्सेस दूंगा तो यहाँ पे जो है इंडिया बोलेगा जी बंगाली तो हमारे अपने हैं, ये तो हमारे जैसे वेस्ट बंगाल के बंगाली हैं, ये तो भाई हमारी संस्कृति है, ठीक है ना। नेपाल में नेपाल बोलता है, अगर यहाँ पे घुस गए तो वहां पे इंडियंस बोलेंगे यार ये उत्तराखंड का सारा एरिया ये तो हमारे अपने नेपाली हैं, मधेसी हैं हमारे, ये जो है सारे के सारे जो है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जिस दिन कॉरिडोर बन गया, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो हो चुका है, और जैसी ये चीजें आएंगी कहीं ना कहीं जो है ये बहुत ज्यादा जो है फायदा देगा। इसके अलावा बांग्लादेश से हम इनलैंड वाटरवेज जो है हमारे जो है, ठीक है ना, बीच से बांग्लादेश के दरियाओं के बीच से हम जो है अपनी बोट्स वगैरह, शिप्स वगैरह ले जा सकते हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा जो है फायदा देगा कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें समझने की जरूरत है, ये सारी की सारी। इसी तरह रेल कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कि ट्रेन भी जो है जाएगी जो है, ठीक है ना। अभी अगर आप देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में चार रूट हैं ट्रेन के,
भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है, अगर आप रेल कनेक्टिविटी की बात करें, तो इस टाइम पे 4 रेलवे रूट्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, 4 रास्ते जो हैं, 4 रूट्स जो हैं वो चल रहे हैं बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो है, और 3 रूट्स और बनने वाले हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, वो भी हो जाएगा, उससे और ज़्यादा जो है फायदा होगा जो है, ठीक है ना। एक नया जो रूट जो है वो रिस्टोर किया गया था जो है, रेल लिंक जो है हल्दी बारी से लेके चिलाहाटी, वो अभी जो है आपकी समिट हुई थी, वर्चुअल समिट हुई थी, मीटिंग हुई थी, प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे दोनों कंट्रीज के, उन्होंने जो है ये रूट जो है इनागुरेट किया था। कौन सा था आपका, जो हल्दी बारी से चिलाहाटी तक जो है जाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। यानी कि 3 पैसेंजर ट्रेनें जाती हैं वहां पे, एक फ्रीट रेलवे सर्विस भी है जिससे गुड्स जाता है, खाली फ्रीट मतलब होता है गुड्स जाना वहां से, ठीक है ना, माल जाना सारा का सारा जो है, माल गाड़ी कहीं ना कहीं जो है। 2 और रूट्स जो है वो रिस्टोर किए गए हैं, ठीक है ना, एक चिलाहाटी हल्दीबारी रेल लिंक है, यही बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। इसके अलावा कोलकाता ढाका अगरतला बस सर्विस की बात भी की जा रही है, ठीक है ना, वो चलती हुई नजर आती है आपको जो है, बस सर्विस है जो कहां से कहां जाती है आप देखेंगे, कोलकाता से ढाका, और ढाका जो है ये राजधानी है बांग्लादेश की, और ढाका से जो है सीधा अगरतला। तो मुझे बताएं अगरतला किसकी राजधानी है, कौन से राज्य की राजधानी है, ठीक है ना। अब ये जो कोलकाता से अगरतला का रास्ता है, ये रूट है बस सर्विस का, ये सिर्फ 500 किलोमीटर है। कितना है, सिर्फ 500 किलोमीटर। जबकि इससे पहले क्या होता था, पहले आप यहां से जा रहे थे, कहां से, यहां से जा रहे थे चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी से आप जाते थे, सिलीगुड़ी से आप अगरतला पहुंचेंगे यहां पे, यहां से आप डायरेक्ट पहुंच रहे हो, ऐसे 500 किलोमीटर का रास्ता है। अगर आप यहां से होके जाते तो 1650 किलोमीटर का रास्ता था, समझे आप मेरी बात जो है। यानी अगर आप वाया सिलीगुड़ी जाते तो कितना रास्ता है, 1650 किलोमीटर, तो कितना कम रास्ता हो गया जो है, ठीक है ना। उसके अलावा अभी अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है मेत्रु मैत्री सेतु ब्रिज, ठीक है ना, इसकी इनॉग्रेशन की है अभी अभी जो है। ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, 1.9 किलोमीटर ब्रिज है ये जो है, ठीक है ना, जो सबरूम सबरूम को जोड़ता है, सबरूम इंडिया में है, इसको कनेक्ट करता है किससे, रामगढ़ जो कि बांग्लादेश में है, इसको जोड़ता है। तो बहुत सारे कनेक्टिविटी रूट्स भी चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हुई नज़र आ रही हैं, ये सारे के सारे जो हैं। उसके अलावा बॉर्डर हाट्स भी हैं हमारे, जो सीमाएं हैं, सीमाओं पे जो है बड़ी बड़ी मार्केट्स लगती हैं, दोनों देशों के लोग वहाँ पे व्यापार करते हैं, सारी की सारी बॉर्डर हाट्स हैं वहाँ पे जो है, ठीक है ना, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं, इससे ट्रेड व्यापार बढ़ता है, लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ती है सारी की सारी जो है, ठीक है ना। अगर आप देखें इंडिया बांग्लादेश को 600 मेगावाट की सप्लाई देता है, कहाँ से देता है, हमारा एक पावर प्लांट है पलटाना पावर प्लांट, जो के त्रिपुरा में है, वहां से जो है एनर्जी की सप्लाई देता है वहां से जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें। उसके अलावा टूरिस्ट भी, टूरिज्म भी हमारा बहुत अच्छा है, बहुत सारे बांग्लादेश के टूरिस्ट आते हैं इंडिया में कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और कहा जाता है 2017 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो आए इंडिया में वो बांग्लादेश से आए, इवन के वेस्टर्न कंट्री से भी इतने नहीं आए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। ये सारी की सारी चीजें हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हैं। वेरी गुड मानिक त्रिपुरा, वेरी गुड इरम बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड नेहा बेटा, वेरी गुड हितेश। तो ये सारी की सारी जो हैं चीजें हैं, ये सारे के सारे जो हैं सिस्टम हैं, सारे के सारे जो हैं
बेटा आप कोलकाता से भी जहाज चले जाओ भुवनेश्वर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बीबीआई है ना, बांग्लादेश भूटान नेपाल इंडिया कॉरिडोर, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? ये ऐसे बनेगा, बड़े बड़े हाईवे ऐसे बन के जा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है ना बेटा? तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉपरेशन की बात करें, बांग्लादेश को इंडिया ने 9 मिलियन डोजेस दिए हैं कोविशील्ड के, जब ये आपदा अपने चरम पर थी जो है, ठीक है ना? कोविशील्ड वैक्सीन के जो हैं उन्होंने दिए हैं, ठीक है ना? उसके अलावा जो है, अगर आप देखें भारत में जितने भी पेशेंट्स बाहर से आते हैं, जितने भी मरीज बाहर से आते हैं दूसरे देशों से इलाज कराने, उसमें से 35% मरीज जो हैं वो कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। सो 35% पेशेंट्स दे आर फ्रॉम बांग्लादेश जो इलाज कराने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना? और यहां तक कहा जाता है कि इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म एक टर्म आप सुनते हैं, मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये है कि लोग भारत में घूमने आते हैं और यहाँ पे सस्ता है इलाज, सस्ता है तो बाहर के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन बाकी चीजें सस्ती हैं तो घूम भी लेते हैं और आके अपना इलाज भी करवा लेते हैं। तो इंडिया को इस मेडिकल टूरिज्म से जो फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, उसका 50% सिर्फ बांग्लादेश से होता है। तो सोचो बांग्लादेशी कितने ज्यादा इंडिया में आके इलाज कराते हैं, घूमने भी आते हैं कहीं ना कहीं जो है। ये सारी की सारी जो है चीजें थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है जी? आई होप आप इंजॉय कर रहे हो, सारी की सारी चीजें आपको अच्छे से जो है समझ में आई हैं और डिटेल में सारी की सारी चीजें आपको जो है नजर आई हैं। अगर आप इंडिया और बांग्लादेश की बात करें तो इन दोनों का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, ये ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। देखो साथ साथ में आपकी इकोनॉमी भी तैयार करवा रहा हूं मैं। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? यानी कि जब आपकी अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था का वो हिस्सा जिसमें आप जो है समुद्रों से, ठीक है ना, समुद्री प्रोडक्ट्स या सारे के सारे जो है उन प्रोडक्ट्स से जो है कहीं ना कहीं जो है आप क्या करते हैं, लेते हैं चीजें, इसमें चाहे फिर आप जो है वहां पे हाइड्रोकार्बन्स वगैरह जो है वो निकालें, ठीक है ना, खादानों से, मैरीन रिसोर्सेज हो आपके, समुद्री रिसोर्सेज सारे के सारे जो है, डीप सी फिशिंग हो उसके अंदर जो है, ठीक है ना, मैरीन इकोलॉजी हो, तो ये सारी की सारी चीजें ब्लू इकोनॉमी के अंदर नजर आती हैं। और इसमें भी दोनों के दोनों कॉपरेशन जो है करते हुए नजर आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट और बाकी चीजों में इकट्ठे नजर आते हैं कहीं ना कहीं जो है। और उसके अलावा बॉर्डर कॉपरेशन की बात की जाए, पहले ये बहुत मेन मसला माना जाता था बॉर्डर कॉपरेशन का, ठीक है ना? अगर आप एक कॉन्टेक्स्ट को जो है समझने की कोशिश करें कहीं ना कहीं जो है, तो आप इन चीजों को देखेंगे कि लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो है कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच में ये मसला था। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपको और जरा जो है क्लैरिटी हो जाएगी इन चीजों के अंदर जो है। बिल्कुल मनिका बेटा, मणिकांत बेटा, पासपोर्ट तो बनाना पड़ेगा बेटा, ऐसे थोड़ी आएंगे बेटा, भाई बांग्लादेशी हैं बेटा, दूसरी देश के नागरिक हैं बेटा, तो वो पासपोर्ट तो बनेगा बेटा, ऐसे नहीं आएंगे ना बेटा, पासपोर्ट बनेगा, उसके बाद उनका वीजा लगेगा, उसके बाद वो वहां पे आएंगे। तो भारत और बांग्लादेश अगर आप इनकी बात करें, तो इंडिया की सबसे ज्यादा जो इंडिया किसी देश से बाउंड्री शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, लॉन्गेस्ट बाउंड्री और बॉर्डर विद इंडिया, ऑलमोस्ट जो है 4100 किलोमीटर की जो है बाउंड्री लाइन है इनके बीच में जो है। सबसे बड़ी बाउंड्री लाइन जो है बांग्लादेश से ही शेयर करता है भारत जो है, किसी भी और देश से जो है वो शेयर नहीं करता है। सबसे बड़ी जो है बाउंड्री लाइन है इनकी जो है आपस में जो है, ठीक है ना, एक पोरस बॉर्डर है, बहुत सारे लोग आराम से आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं कहीं ना कहीं जो है। ये सारे के सारे जो हैं परस्पेक्टिव, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं रहती हैं, बट अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं जो है कि भाई सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं। अब हुआ क्या था, अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। बांग्लादेश और बॉर्डर जो है, बांग्लादेश आप देखें किस हिसाब से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, यहां से चलता हुआ पूरा का पूरा बाउंड्री जो है, यहां से जाती हुई सारी की सारी जो है यहां पहुंचती है, ये इस हिसाब से सारी की सारी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है उसके साथ जो है, ठीक है ना? तो आप ये चीज देखें कि सबसे बड़ी बाउंड्री शेयर करता है। हुआ क्या था, 1947 में यहां पे कोई राजा होगा, राजा रहा होगा, यहां पे भी कोई राजा रहा होगा, ठीक है जी? ध्यान से सुने इस कहानी को।
1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, जब पाकिस्तान नहीं बना था, उसके बाद पाकिस्तान बना था और ये बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा था। ये राजा मान लीजिए ये ताश खेला करते थे आपस में, जब ये ताश की गेम जीतता था तो ये वाला राजा कहता था मेरा ये वाला एरिया तू ले ले, ये वाला एरिया तू ले ले। जब ये हारता था ये बोलता था मेरा ये वाला एरिया तू ले ले, मेरा ये वाला एरिया तू ले ले। 1947 में जब डिवाइड हो गया बंगाल जो है ईस्ट और वेस्ट जो है बंगाल के बीच में, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के पास चला गया, तो अब यहाँ जो एरिया इस राजा का था वो तो इस राजा का था ना, वो तो भारत में आना चाहिए था, वो वहां रह गया। इसी तरह इस राजा का एरिया यहाँ पे था, अब वो तो उसका था ना, लेकिन वो इंडिया में रह गया बीच में। इस एरिया को कहा जाता था इनक्लेव्स, ठीक है जी। यानी के ये मान लीजिए भारत का एरिया है, यहां पे कुछ इनक्लेव्स थी बहुत सारी जो है बांग्लादेश की, ठीक है ना। और इसी तरह जो है बांग्लादेश में बहुत सारी इनक्लेव्स थी किसकी, इंडिया की, ठीक है ना। ये चीज कहीं ना कहीं वहां पे जो है चलती हुई नजर आती थी। अब अल्टीमेटली जब आजादी मिली बांग्लादेश को तो उस टाइम पे ये मसला और ज्यादा गहरा गया, और ज्यादा जो है सामने आ गया ये मसला जो है, ठीक है ना, कि किस हिसाब से क्या करना है, कैसे जो है इन चीजों को लेके आगे बढ़ना है। अब अल्टीमेटली यहाँ जो बांग्लादेश के लोग यहाँ पे रहते थे ये परेशान थे, जो यहाँ रहते थे, ठीक है ना, वो कहते यार हमारा देश तो वहां है, हम कैसे जाएं वहां पे जो है, हम पढ़ाई कैसे करें, एजुकेशन ये सारी की सारी चीजें जो है कैसे होंगी, सारा का सारा जो है हम किस हिसाब से जो है इन चीजों को जो है लेके चलें, उस पर जो है बहुत परेशानी हो गई कहीं ना कहीं जो है, उस पर विवाद होना शुरू हो गया। तो अल्टीमेटली इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश को जो है कहा कोई बात नहीं, हम आपको यहां से 3 बीघा का एरिया दे देंगे, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर, कहा ये एरिया ले लो, आप लोग यहां से जा सकते हैं, ठीक है ना, आप आराम से जाएं यहां से जो है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मजे से जाएं एंजॉय करें, वहां पे जाया करो, वापस आ जाया करो बाद में जो है, ठीक है। पहले इस एरिया को खुला उन्होंने जो है 8 घंटे खोला, फिर 12 घंटे जो है खोला, अल्टीमेटली उसके बाद इसको परमानेंटली जो है खोल दिया गया। तो ये वो इनक्लेव्स थी कहीं ना कहीं जो है, यानी कि अराउंड 200 से ज्यादा इनक्लेव्स जो है जो भारत और पाकिस्तान की थी जो है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, ठीक है ना। अब इनक्लेव्स होता क्या है, ये एक एरिया है, ये फ्रेगमेंट है एक कंट्री की, जिसको दूसरी कंट्री जो है आप सराउंड कर रही है, आप समझे इस चीज को ध्यान से। इनक्लेव का मतलब होता है ये एक एरिया है किसी देश का, जिसके आगे पीछे जो है दूसरे देश है, दूसरा देश है। अब ये क्या करेगा देश बीच में, मतलब ये देश शायद यहाँ साइड पे है लेकिन इसका एक एरिया यहाँ पे भी है। तो इस तरह 200 से ज्यादा इनक्लेव्स थी कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। भारत की बांग्लादेश में अराउंड 122 इनक्लेव्स थी, इसी तरह बांग्लादेश की जो है भारत में 71 इनक्लेव्स थी, ठीक है ना। इंडिया ने क्या किया, 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये लीज पे दे दिया जो है, ठीक है, एक स्ट्रिप ऑफ लैंड थी भारत में जो है, जो बांग्लादेश को दिया 1992 में, 1992 में। सब कुछ है नोट्स में, टेंशन मत लें आप जो है, ठीक है ना, ताकि बांग्लादेश आराम से जो उसकी इनक्लेव्स थी जो है, ठीक है ना, दहागाम अंगारकोटा जो इंडिया में थी, उनको अच्छे से जो है वहां पे अपने लोगों को जो है सारी की सारी सुविधाएं जो है दे सके कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये मसला हुआ। अब ये इनक्लेव्स जो है बांग्लादेश ने रिटेन कर ली किसके बदले में, साउथ बेरुबारी के बदले में जो, ठीक है ना, जो बांग्लादेश में है। अब साउथ बेरुबारी बांग्लादेश में था, वो इंडिया को मिलना था कहीं ना कहीं जो है एग्रीमेंट के हिसाब से, उस टाइम पे जो इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था 1974 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, ठीक है। पहले 3 बीघा कॉरिडोर जो है 6 घंटे के लिए खुलता था, फिर 12 घंटे के लिए खुलना शुरू हो गया लोगों के लिए जो है, ठीक है। अब ये मसला चलता रहा, ये मसला फाइनलाइज नहीं हुआ और अल्टीमेटली 2011 में ये कॉरिडोर 24 घंटे ओपन कर दिया गया, 24 आवर्स, कहा मजे करो 24 घंटे ओपन रहेगा, आओ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं है। इससे बांग्लादेशी लोगों को बहुत ज्यादा आराम मिला, रिलीफ मिली कहीं ना कहीं जो है। और 2015 में भारत ने वो सबसे कहीं ना कहीं जो है आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पास किया, लैंड बाउंड्री बिल जो है पास किया, ठीक है ना। ये भारत के पार्लियामेंट में पास हुआ, कैसे पास हुआ, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट वही थी जिससे लैंड बाउंड्री बिल पास हुआ और ये लैंड बाउंड्री एक्ट बन गया। और इस एक्ट ने वो जो 1974 में जो एग्रीमेंट समझौता हुआ था, जो पूरा नहीं हो पाया था, जो लागू नहीं हो पाया था, उसको लागू करवाया,
और अल्टीमेटली अब आप कहेंगे सर संविधान में संशोधन लाके ही क्यों आपने जो है ये किया, क्योंकि इससे क्या हुआ, इस संशोधन से जो है हमने कहा बांग्लादेश को आप हमारी जो इनक्लेव्स वहां पे हैं वो सारी की सारी आप ले लो, बांग्लादेश ने कहा आप हमारी इनक्लेव्स जो भारत में हैं वो आप ले लो, वहां के व्यक्तियों को वहां के लोगों को चॉइस दी गई, चाहे तो वो बांग्लादेश के नागरिक बने चाहे वो इंडिया के नागरिक बने, जो मन करता है कोई यहां से वहां जाना चाहता है जो मर्जी करें, तो बहुत हिस्टोरिक एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट जो है ये बिल जो है ये एक्ट जो है पास किया भारतीय पार्लियामेंट ने। तो अब मेरे बच्चों के सामने डाउट ये आएगा कि सर आपने जो है संशोधन ही क्यों लाया, संशोधन क्यों लाया गया, क्योंकि बेटा अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है या जिन बच्चों ने मुझसे इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है वो ये जानते हैं कि आर्टिकल 3 और 4 के हिसाब से पार्लियामेंट के पास शक्ति है कि वो भारत की किसी भी स्टेट को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांट देगा, 2 स्टेट का एक बना देगा, किसी स्टेट की यूटी बना देगा, कुछ भी कर देगा, लेकिन उस पावर आर्टिकल 3 और 4 अनुच्छेद 3 और 4 के अंदर जो शक्तियां पार्लियामेंट को मिली है उसमें अपनी टेरिटरी अपना भौगोलिक क्षेत्र दूसरे देश को आप नहीं दे सकते हो। अगर आपको दूसरे देश को अपना कोई एरिया देना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन लाना पड़ेगा, आर्टिकल जो है 368 के अंदर जो है आप संशोधन लाएंगे और 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हुई और वहां पे उस टाइम पे जो है क्या किया गया जो है इंडिया को 51 इनक्लेव्स मिली। आप ध्यान से देखें भारत हमेशा बड़े दिल वाला रहा है, ठीक है ना, तो भारत को कितनी इनक्लेव्स मिली, भारत को मिली 51 इनक्लेव्स। ये जो 51 इनक्लेव्स थी इनका एरिया था, इनका एरिया अगर आप समझेंगे तो दैट वाज 7110 एकड़, इतना एरिया था जो है इसका जो है, ठीक है जी। और आपका जो बांग्लादेश था बांग्लादेश को मिली कितनी, भारत की जो 111 इंडियन इनक्लेव्स थी वो मिली, ठीक है ना, कहा आप ये ले लो, भारत ने कहा बड़ा दिल है मेरा रख लो आप जो है। इसमें कितना एरिया था, 17,160 एकड़, ठीक है, जो बांग्लादेश में थी कहीं ना कहीं जो, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है मसला था, ये सारी की सारी जो है चीजें थी जो आपके सामने डिटेल में मैं लाया, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको बताई गई कहीं ना कहीं जो है। तो ये इनक्लेव जो है भारत ने जो है बांग्लादेश को दी, ये समझौता हुआ अल्टीमेटली वो जो समझौता 1974 में हुआ था उसको 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है भारत ने जो है ये दे दिया, किसको, उनको दे दिया कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने भारत को 51 इनक्लेव थी जो 7110 एकड़ के एरिया में जो है आती थी, जबकि भारत ने ज्यादा एरिया दिया, 17,160 एकड़ जो है भारत ने उनको दिया जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें थी, ये सारे के सारे चीजें आपके सामने लाई एक डिटेल वे में, आपको सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कोई डिस्प्यूट कोई डाउट हो आपको, कोई क्वेश्चन आपको कोई बात ना समझ में आई आप पूछें मुझसे, बार बार पूछें, लेकिन जो चीज समझ में ना आए जो है ठीक है ना उसके बारे में आप मुझसे पूछें, मेहनत करें चीजों को लेके चलें, अपना ऑप्शनल भी डिसाइड करें, आप जानते हैं क्योंकि आपके लिए ऑप्शनल जो है कंपलसरी है, तो अगर आपको इतनी अच्छी कमांड हो रही है आप इतने अच्छी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन समझ पा रहे हैं तो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं आप बाकी चीजें भी समझ पाएंगे और बहुत आसानी से आप क्या करेंगे जवाब दे पाएंगे और आप PSIR ऑप्शन भी अच्छे से लेके चल पाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है एक पर्सपेक्टिव था, ये सारी की सारी जो है चीजें थी। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट 2015 में जो है साइन हो गया जो है, ठीक है ना, और अल्टीमेटली जो है और जो बाकी बॉर्डर मैनेजमेंट के प्लान हैं, बॉर्डर को सीमाओं को कैसे सुरक्षित करना है और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे स्मगलिंग वहां पे रोकनी है, ठीक है ना, ताकि वहां से हथियार जो है असला बारूद हथियार की स्मगलिंग ना हो वहां से जो है, ठीक है, उसको रोकेंगे, नारकोटिक्स ड्रग्स वगैरह जो है वहां सीमाओं से ना जाए, क्योंकि बांग्लादेश और भारत का बॉर्डर जो है बड़ा पोरस है, ठीक है ना, वहां पानी है दल दल ये वो सारी की सारी चीजें, तो बड़ी आसानी से वहां पे जो है इलीगल जो है स्मगलिंग हो सकती है, जो है ड्रग ट्रैफिकिंग हो सकती है, फेक करेंसी नोट्स जो है वहां बनते हैं उसको रोक सकते हैं, इवन के महिलाएं और बच्चों की भी ट्रैफिकिंग हो जाती है, उनको भी जो है व्यापार की तरह जो है चीजों की तरह जो है बेचा जाता है, इन सब चीजों का जो है ध्यान उसमें रखा जाता है। उसके अलावा रोहिंग्या इश्यू की अगर आप बात करें
तो जब मैं आपको इंडिया म्यांमार रिलेशन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो रोहिंग्यास हैं ये एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, ये नस्ली जो हैं कहीं ना कहीं जो हैं अल्पसंख्यक हैं म्यांमार के बीच में, जिसको आप बर्मा भी बोलते हैं। ये मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट मेजोरिटी में हैं। इनका वहाँ पे जिनोसाइड हुआ है, हज़ारों लाखों में इन लोगों को जो है मारा गया है। वहाँ से लाखों की तादाद में लोग अलग अलग देशों में भाग चुके हैं, बांग्लादेश में, इंडिया में, हर जगह जो है। भारत ने 2018-19 में जो है अराउंड 3 लाख रोहिंग्यास को जो है वहाँ पे उनको जो है रिलीफ मटेरियल जो है प्रोवाइड किया, खाना वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड की। और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन इंसानियत। तो ऑपरेशन इंसानियत इंडिया ने करके जो है उन वहाँ के रोहिंग्यास को, उन गरीब लोगों को जो है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं कॉक्स बाजार में या बाकी जगहों पर, ठीक है ना। तो बांग्लादेश की एक हेल्प करने की कोशिश कर रहा है भारत, कि बांग्लादेश के अंदर खुद इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है, वो अपने लोगों को सही से नहीं खिला पाता है। तो रोहिंग्यास अब वहाँ बहुत सारे आ गए हैं, तो उनकी हेल्प करें। तो ये एक ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स हैं, एक कोशिश है मानवता के सिद्धांत के हिसाब से कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। और अभी एक वर्चुअल समिट हुई थी जो है, ऑनलाइन जो है एक मीटिंग हुई बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर की। तो इंडिया ने उस टाइम पे अप्रिशिएट किया है बहुत ज़्यादा कि बांग्लादेश कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है, रोहिंग्यास की हेल्प कर रहा है, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों के दोनों देश अलग अलग जो रीजनल संगठन हैं, जो क्षेत्रीय ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो समूह हैं, उनका हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के दोनों सार्क के मेंबर हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, ठीक है ना। इसी तरह से जो है दोनों बीमस्टैक के भी मेंबर हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके भी मेंबर हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है ना, इसके ही मेंबर हैं। इसी तरह BBIN के भी मेंबर हैं दोनों के दोनों देश, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, वो कॉरिडोर कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, इन सब के जो है। तो उसके अलावा 2021 में जो आपका एक और एसोसिएशन है IORA, ठीक है ना, उसकी चेयरमैनशिप बांग्लादेश के पास है, ठीक है ना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ठीक है ना, इसका भी मेंबर है। ये अलग अलग संगठन बनाए जाते हैं आर्थिक कॉपरेशन के लिए, ताकि इकोनॉमिकली कॉपरेट करें, सिक्योरिटी के लिए कॉपरेट करें, हर एक चीज पे। तो आई होप आपको जो है इस चीज में क्लैरिटी हुई है, अच्छे से जो है सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई हैं। बहुत सारे मसले हैं अगर आप देखें, इश्यूज भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कॉपरेशन ही हो रही है या बहुत अच्छा बहुत मज़ा आ रहा है, इश्यूज भी हैं। और सबसे बड़ा इश्यू जो आपको नज़र आता है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन में, वो है चाइना फैक्टर। चाइना हर जगह है, चाइना आलू की तरह है, हर सब्जी में घुस जाता है, जैसे आलू हर सब्जी में घुस जाता है, चाइना भी हर रिलेशन में घुस जाता है। ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें हैं, इस तरह की जो है सारी की सारी चीज़ें हैं। अब चाइना फैक्टर क्या है, आप ये देखें कि पिछले कुछ सालों से चाइना का निवेश बहुत ज़्यादा बड़ा है बांग्लादेश में, बहुत ज़्यादा बड़ा है निवेश जो है चाइना का जो है, ठीक है ना। अब जो चाइना का निवेश बढ़ रहा है बांग्लादेश में, उसका सबसे बड़ी टेंशन ये है कि चाइना ने श्रीलंका में भी निवेश किया था, श्रीलंका में निवेश किया, श्रीलंका को करोड़ों का लोन दिया और श्रीलंका को अपने उधार के जाल में फंसा लिया। ये डेट ट्रैप खेलता है चाइना, डेट ट्रैप, भर भर के लोन देता है, श्रीलंका को भर भर के लोन दिया। अब श्रीलंका जब चुका नहीं पाया, बोलता लाओ ये जो कोलंबो पोर्ट बनाया है ये मेरे को दे दो, ये मेरा है,
मेरा नहीं है, मतलब लीज पे ले लिया उसको जो है, ठीक है ना, 90 साल के लिए, इतने सालों के लिए। अब जब चाइना का वहाँ पे फुटप्रिंट्स आ जाएंगे, चाइना वहाँ पहुँच जाएगा, अब श्रीलंका भारत के नीचे ही तो है, तो चाइना अगर साउथ एशिया में आएगा, कोई इंडिया कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जिस तरह रशिया बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि यूक्रेन में नेटो आए, भारत कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि श्रीलंका में या बांग्लादेश में चाइना की प्रेजेंस ज्यादा हो? तो ये चाइना फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बांग्लादेश को खुद भी टेंशन है, ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेश भी जानता है जिस तरह श्रीलंका आज बुरी तरह फंस गया है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं, बहुत बुरी हालत है, तेल नहीं मिल रहा है, उत्पादन नहीं हो रहा है, बहुत बुरी हालत है। अभी जो है 2 दिन पहले वहां बच्चों का एग्जाम था, पेपर नहीं था बच्चों के पास, किस पे एग्जाम लिखेंगे, कागज नहीं था श्रीलंका में, इतनी बुरी तरह जो है वहां की अर्थव्यवस्था फेल हो रही है और फंसा हुआ है चाइना के ट्रैप में। तो चाइना फैक्टर बांग्लादेश में भी लग सकता है और बांग्लादेश भी जो है उसमें फंस सकता है कहीं ना कहीं जो है, और बांग्लादेश जो है कहीं ना कहीं चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। बांग्लादेश बहुत ज्यादा जो है मिलिट्री हार्डवेयर, जो उसके वेपन्स हैं, जो उसका बारूद है, जो उसके हथियार हैं, वो सारा का सारा जो उसका हार्डवेयर है वो किससे लेता है आपका बांग्लादेश जो है, वो हार्डवेयर जो है बांग्लादेश आपका लेता है किससे, चाइना से लेता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो चाइना फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसका हमें जो है ध्यान रखना है कहीं ना कहीं। उसके अलावा आप देखें तो रेडिकलाइजेशन नहीं होनी चाहिए वहां पे, राइजिंग रेडिकलाइजेशन, बांग्लादेश में ये राइज हो रही है, यानी कि जो यूथ है, जो वहां के जवान बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट हैं, ठीक है ना, जो करप्ट एलिमेंट्स होते हैं धर्म में, इस्लाम धर्म के जो करप्ट एलिमेंट्स हैं, जो बहकाते हैं जवान बच्चों को जो है गलत उस पे जिहाद के नाम पे, उस तरह वो रेडिकलाइजेशन जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है कहीं ना कहीं जो है। तो उससे भारत की जो ईस्ट में स्टेटें हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसमें जो है इफेक्ट हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें जो है हो सकती हैं कहीं ना कहीं। उसके अलावा बाउंड्री भी एक बहुत बड़ा इश्यू है, कि हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स करके वो तो किया, लेकिन बांग्लादेश की जो बाउंड्री है ये बहुत पोरस बाउंड्री है, ठीक है ना, क्योंकि आप जानते हैं रिवर्स ही इतने सारे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल कहीं पानी है, दलदल है, तो वहां पे आप सही तरह से बाउंड्री दीवार खड़ी नहीं कर सकते हो, लैंड होगी ना सही, सख्त लैंड होगी तो उस पर आप कुछ करोगे, आपने किया है वायरिंग सब चीजें हुई हैं, बट फिर भी पोरस बाउंड्री है, वहां से स्मगलिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, आर्म्स जो है व्यापार उसका भरता है कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी चीजें। उसके अलावा रिवर डिस्प्यूट भी है, और जब भी आप रिवर डिस्प्यूट का नाम लोगे, ये तो आप जानते हो कि बहुत सारे रिवर्स हैं, ठीक है ना, 54 रिवर्स हैं जो बांग्लादेश और इंडिया शेयर करते हैं, लेकिन जब भी बांग्लादेश और इंडिया के रिवर विवाद का नाम आएगा, सिर्फ एक सबसे बड़े रिवर का नाम आएगा, वो है टीस्टा रिवर, हमेशा नाम आएगा। 2011 में ऑलमोस्ट सॉल्यूशन निकल चुका था, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट जो है होने वाला था कहीं ना कहीं जो है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बांग्लादेश चले भी गए, हमारी ममता दी कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी, हम नहीं देंगे पानी, हमारे लोगों का नुकसान होगा। तो शायद उस टाइम पे जो एक क्षेत्रीय राजनीति जो है कहीं ना कहीं, उसको देखते हुए लॉन्ग टर्म जो फायदे थे उसको भूल गई वो, और वो जो है वो नहीं गई, उन्होंने कहा मैं ये समझौता एग्रीमेंट नहीं हूँ करूंगी साइन जो है, अल्टीमेटली वो समझौता नहीं हो पाया जो है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं कहीं ना कहीं, अभी तक जो है ये डील नहीं हुई है, ये समझौता नहीं हुआ है टीस्टा रिवर पे, बांग्लादेशी टीस्टा रिवर पे बहुत ज्यादा जो है डिपेंड करते हैं इस दरिया के ऊपर कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब बांग्लादेश ने क्या किया, चाइना से लोन लेना शुरू कर दिया है टीस्टा रिवर को मैनेज करने के लिए, उस रिवर को कहीं ना कहीं इंडिया से बार्गेन करने के लिए, इंडिया को बैलेंस करने के लिए चाइना से लोन ले रही है, इंडिया कह रहा है यार ये क्या कर रही है, कह रही है तुम टीस्टा रिवर नहीं मेरा वो कर रहे हो, मैं क्या करूं, जो पानी है उसको मुझे इस्तेमाल करना है, सारी की सारी चीजें हैं। उसके अलावा वहां की जो घरेलू राजनीति है, कभी कभी वहां पे जो है प्रोटेस्ट होती है, वहां पे प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं यार कि ये जो है इंडिया ने जो CAA और NRC लाया है कहीं ना कहीं जो है ये सही नहीं है, इवन दो वहां पे ऑफिशियली वहां के मिनिस्टर्स ने क्लियर किया है कि भाई ये इंडिया का अपना इंटरनल इश्यू है, इंडिया का घरेलू मसला है, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, नागरिकता संशोधन कानून जो लाया है भारत 2019 में, इसमें यह है कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जिनको वहां मारा जा रहा है माइनॉरिटीज, अगर
वो 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं 5 सालों तक, तो उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो मसला ये हुआ कि क्या अल्पसंख्यक जो है सिर्फ माइनॉरिटीज, क्या वहां पे सिर्फ वही हैं? उन्होंने, और उस एक्ट में लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली जो है हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस, मुस्लिम का नहीं लिखा है। गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि भाई देखो मुस्लिम्स वहां मेजोरिटी में है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स, कुछ ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो माइनॉरिटीज में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में जो है मुस्लिम्स जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी मारा जा रहा है। इवन के पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम्स के अंदर जो है शियाज हैं उनको मारा जा रहा है, अहमदियाज को मारा जा रहा है, ठीक है ना, बांग्लादेश के अंदर शियाज को मारा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सीए जो है कहीं ना कहीं ऐसा, तो इसके खिलाफ वो हुआ था। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो आसाम के लिए आया है एनआरसी, ये आसाम में तैयार हुआ है, और ऑलमोस्ट 19 लाख लोग जो है इसके, इससे बाहर हो गए हैं, और कहीं ना कहीं 19 लाख लोगों को डिपोर्ट करने की बात की जा रही है कि उनको वापस भेज दिया जाएगा बांग्लादेश या पाकिस्तान, जहां से भी उनका ओरिजन है। लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो 19 लाख लोग बाहर हुए हैं इसमें तो सारे हैं हिंदू मुसलमान सारे हैं, लेकिन हिंदू जो है वो एनआरसी का सहारा लेके जो है वापस उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, और ये सीएए जो है ये लाया ही इसलिए गया है। तो ये अलग अलग राजनीतिक पंडित इस चीज की बात करते हुए नजर आते हैं, ये चीजें करते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना, कि मुस्लिम जो है उनको भेज दिया जाएगा बांग्लादेश, तो हिंदूज वापस इसका सहारा लेके जो है वापस उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस पे, बट बांग्लादेश ने ये भी क्लियर किया कि ये भारत का घरेलू मसला है, इसमें हम नहीं पड़ेंगे, इसमें हमारा मसला नहीं होगा कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी जो है चीजें हैं, ये सारे के सारे जो है मसले हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना, इस हिसाब से जो है चीजें चलती हुई नजर आती हैं। उसके बाद कनेक्टिविटी का एक इशू, मैंने आपको ये तो बताया कि कनेक्टिविटी है हमारे अंदर, लेकिन उसके अंदर इशू भी है, यानी भारत के जो वेसल्स आते हैं, भारत की जो बोट्स जाती हैं, जो उसकी शिप्स जाती हैं, जो इनलैंड वाटरवेज है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, जितना जानी चाहिए थी, जितनी ज़्यादा शिप्स जानी चाहिए थी कहीं ना कहीं जो है यहाँ बीच से, बांग्लादेश के बीच से जो शिप्स जानी चाहिए थी यहाँ दरिया से जो है कहीं ना कहीं जो, बहुत कम है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है, कुछ यहाँ तक कहते हैं कि जो आशुगंज पोर्ट है, ठीक है ना, ढाका में बांग्लादेश में जो आशुगंज पोर्ट है, वो ज़्यादा और बड़ी बड़ी शिप्स या कंटेनर्स को वहाँ रख नहीं सकता, जगह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बोल रहे हो कंटेनर वंटेनर, मैं आपको समझाता हूँ, जैसे बस स्टैंड है, अब बस स्टैंड में मान लो बसें, बसों की जगह ना हो, या रेलवे स्टेशन हो वहाँ ट्रेनों की जगह ही ना हो ट्रेनें लगाने की, तो फिर कम ट्रेनें आएंगी ना। इसी तरह जब जो आशुगंज पोर्ट है, ठीक है ना, तो ये कहा जाता है कि जो आशुगंज पोर्ट है वहाँ पे जगह कम है, उसकी क्षमता कम है, अलग अलग जो वेसल्स आते हैं, शिप्स आती हैं भारत से, वहाँ पे उनको रोकने की क्षमता नहीं है, कम है कहीं ना कहीं, फैसिलिटीज जो है वहाँ पे कम है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो कस्टम ड्यूटीज हैं, वो ऑफिस बहुत दूर हैं वहाँ पोर्ट से, उसमें टाइम लग जाता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। इसलिए भारत के जो कैरियर्स हैं, भारत की जो शिप्स हैं, वो सही तरह से इनलैंड वाटरवेज, बीच का जो रास्ता है उसमें नहीं जा पाती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी नहीं है कहीं ना कहीं, ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। 2010 से अब तक भारत ने बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा जो है लोन दिया है, सॉफ्ट लोन दिया है, मतलब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है उस पर जो है, ठीक है ना। इसको आप लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, लाइन्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। और ऑलमोस्ट कितना दिया है इस पे जो है, ऑलमोस्ट यूएसडी, मतलब डॉलर में दिया है यूएसडी 7.8 बिलियन डॉलर टू बांग्लादेश 2010 से लेके अब तक जो है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। बट जो भी डिसबर्समेंट है ये कम रहती है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो 2019-20 तक इतना लोन तो भारत ने माना है, लेकिन जो डिसबर्समेंट हुई है, डिसबर्समेंट का मतलब ये तो हुआ अप्रूव, ये हो गया अप्रूवल, मतलब मैंने अप्रूव कर दिया कि मैं आपको जो है 1,000 रुपये दूंगा, लेकिन असल में प्रैक्टिकली मैंने आपको दिए कितने रुपए, मान लीजिए 150 रुपये। तो आप बोलोगे यार ये क्या, डिसबर्समेंट तो बहुत कम है, डिसबर्समेंट तो 150 है, तो ये डिसबर्समेंट भी बहुत कम है। और डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो है सिर्फ कितनी है, 9%, ठीक है ना, यानी कि 686 मिलियन डॉलर, मिलियन, आप सोचें सिर्फ इतना, ये मिलियन में है, 686 मिलियन, ये बिलियन में है, तो 1,000 मिलियन में 1 बिलियन होता है, यानी कि सिर्फ 9% जो है आपने दिया है अभी तक जो है, तो ये चीज भी है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है भारत को, बोला है कि भाई आप म्यांमार को प्रेशराइज करो, उसको बोलो कि भाई रोहिंग्याज को ले जाओ, अपने रोहिंग्याज अपने नागरिकों को वापस ले जाओ। भारत ने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, जो है ठीक है ना, इससे ही मसला है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा एक मेन डिस्प्यूट को समझने की ज़रूरत है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, तो वो मैं आपको अच्छे से अलग से समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मेन मुद्दा है इनके बीच में जो है, तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, ठीक है जी। तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को अगर आप देखेंगे, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कहाँ पे है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट जो है आपका। ये क्या है भाई, कहाँ गया? ये रहा आपका तीस्ता, ठीक है जी। ये जो आपका तीस्ता रिवर है, ये 315 किलोमीटर बड़ा रिवर है, ठीक है ना। 315 किलोमीटर का ये रिवर है, 315 किलोमीटर लॉन्ग रिवर, ठीक है ना। ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है, इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है जी। और ये हिमालयाज से निकलता है, और इंडियन स्टेट जो है सिक्किम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होता हुआ ये बांग्लादेश पहुंच जाता है आपका जो है, ठीक है जी। कहाँ पहुंच जाता है? बांग्लादेश पहुंचता है। तो ये आता है यहाँ से ऊपर हिमालयाज से आता हुआ, ये सिक्किम से होता हुआ, वेस्ट बंगाल से होता हुआ, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये यहाँ से होता हुआ बांग्लादेश के अंदर आ रहा है आपका जो है, ठीक है ना। ये है आपका टीस्टा रिवर, समझ रहे हैं आप मेरी बात जो है। तो इस पे जो है डिस्प्यूट चल रहा है, कोई भी अभी तक समझौता या कोई भी एज सच एग्रीमेंट जो है नहीं कर पाए हैं ये कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। बहुत सारे मसले जो हैं कहीं ना कहीं जो है चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी भी कोई समाधान जो है इसका नहीं निकाल पाए हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। अब अल्टीमेटली ये जो रिवर है कहीं ना कहीं जो, इसका रिवर जो है कहीं ना कहीं जो है, ये बांग्लादेश में अराउंड 2800 किलोमीटर जो है, 2800 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, 2800 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड जो है उसको ड्रेन करता है, उसको पानी देता है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। 2800 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड इन बांग्लादेश क्या करता है, ये ड्रेन करता है, ये ड्रेन मतलब पानी इससे जाता है उस लैंड को जो है, ठीक है ना। ड्रेन 2800 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ लैंड इन बांग्लादेश। तो आप सोच सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए जो है बहुत ज़्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जो है, और वहाँ पे हजारों लाखों लोगों को कहीं ना कहीं जो है ये उनकी ज़िंदगी का सहारा है, उनको लाइवलीहुड देता है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी, ठीक है ना, जो हमारा वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वहाँ पे जो नॉर्थन बंगाल है, नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ बंगाल में भी ये कहीं ना कहीं जो है अराउंड 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको जो है पानी देता हुआ नजर आता है, और उनकी लाइफ लाइन है ये। यहाँ पे देखो नॉर्थ के एरिया में देखो, ये देखो, ये जो नॉर्दर्न एरिया है वेस्ट बंगाल का जो है, तो उसकी लाइफ लाइन है कहीं ना कहीं जो है, ये बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है उसके लिए भी, ठीक है ना। तो ये मसला नज़र आता है कहीं ना कहीं जो है। नेगोशिएशंस चलती रही, डिस्कशंस चलती रही कहीं ना कहीं जो है, ठीक है। सिक्किम से आता हुआ आपके वेस्ट बंगाल से होता हुआ बांग्लादेश जाता है कहीं ना कहीं, बांग्लादेश में जाते हुए ये जमुना से मिल जाता है, जमुना, ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश के अंदर जो है, ठीक है ना। तो 1983 में जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि 39% शेयर जो है वो किसको मिलेगा, 39% शेयर जो है इंडिया को मिलेगा। तो 1983 में एक टेम्परेरी जो है वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था, टेम्परेरी एडहॉक होता है, टेम्परेरी टेम्परेरी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ था। और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि 39% जो पानी है इसका जो है, ठीक है ना, वो इंडिया को मिलेगा, और 36% जो है वो बांग्लादेश को मिलेगा, और बाकी अनयूटिलाइज जो है रहेगा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। 2011 में जो इंटरिम डील होनी थी, अगेन एक टेम्परेरी जो डील हुई थी, जो समझौता होना था जो है, ठीक है ना, जो नहीं हो पाया था, ठीक है ना,
उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को जो है 42.5% मिलना था और बांग्लादेश को जो है 37.5% मिलना था, लेकिन वेस्ट बंगाल की स्टेट ने नहीं माना, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई इस पे कहीं ना कहीं, और मसला नहीं हो पाया, डील साइन नहीं हो पाई कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो ये मसला जो है चलता हुआ नज़र आ रहा है, नेगोशिएशंस वगैरह जो है जो होनी थी कहीं ना कहीं जो है वो नहीं हो पाई कहीं ना कहीं जो है। इंडिया का अपना भी जो है मसला है, बांग्लादेश बोलता है मुझे 50% पानी दो आप टीस्टा रिवर का, ठीक है ना, दिसंबर और मई के बीच में हर साल जो है कितना दो मुझे आप जो है दिसंबर और मई में 50% दो जो है, ठीक है ना, क्योंकि ये वो टाइम है जब बांग्लादेश में पानी कम हो जाता है, ठीक है ना, पानी जो है कम हो जाता है उस कंट्री में, आप जानते हो, क्योंकि दिसंबर से लेके मई का जो टाइम होता है इसमें बारिशें कम होती हैं, ठीक है ना, मानसून तो आती नहीं, मानसून तो गर्मियों में आती है, ठीक है ना। अब इंडिया को भी ये पानी चाहिए नॉर्थ बंगाल में जो है इरिगेशन वगैरह के लिए कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। अब मसला यही है कि संकट बहुत है पानी का, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो है ये इश्यू रह जाते हैं कहीं ना कहीं जो है। तो इस हिसाब से सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं कहीं ना कहीं जो है। तो खैर ये सारे के सारे जो हैं मसले हैं, ये सारी की सारी जो हैं चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। उसके अलावा बांग्लादेश चाइना से भी डिस्कस कर रहा है, $1 बिलियन का लोन जो है वो उससे लेना चाह रहा है कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना, ताकि जो टीस्टा रिवर पे जो उसके प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिस्टोर करें, उनको बनाए, जो प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं पानी नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं जो है। तो चाइना का मसला बीच में आ गया कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो अब वे फॉरवर्ड किस हिसाब से हम आगे सोचेंगे, चीज़ों को किस तरह दिखना है, तो सबसे पहले हम आपस में कुछ ऐसे सिद्धांत हम जो है डिसाइड करें दोनों मिल के, ऐसे सिद्धांत, ऐसे हम जो है नैतिकता की बातें करें कहीं ना कहीं जो है, और जो सार्क में हमने समझौते किए हैं उनको इन्फोर्स करवाएं, उनको लागू करवाएं, जिससे और ज़्यादा जो है अलग अलग जो देश हैं हमारे नॉर्थ जो है साउथ के एशिया के जो है उनमें आपस में और ज़्यादा कॉपरेशन हो, और ज़्यादा जो है वो चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। वाटर शेयरिंग डील जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 54 जो है रिवर्स कहीं ना कहीं जो है दोनों देशों के बीच में बहते हैं कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ये पानी अगर इनका एक अच्छे तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आपस में बांट लें, सही चीज़ें कर लें, कहीं ना कहीं जो है दोनों देशों की डिमांड्स पूरी हो जाएं कहीं ना कहीं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। रिसेंटली वेस्ट बंगाल की सीएम ने जो है एक प्रपोज किया, एक प्रपोजल दिया है कि भाई जो आपका तोरसा रिवर है उसको हम शेयर कर सकते हैं, उसको उस पर हम समझौता कर सकते हैं कि कितना पानी जो है तोरसा रिवर का जो है, तोरसा रिवर की बात की है ममता बनर्जी ने, कि हम प्रपोज किया है कि भाई अगर इसको हम इस पे कोई समझौता कर लें कि कितना पानी बांग्लादेश को मिलना चाहिए, कितना हमें मिलना चाहिए कहीं ना कहीं जो है। इसी तरह फैनी रिवर पे जो है 2019 में दोनों कंट्रीज ने समझौता किया था, एक एग्रीमेंट कहीं ना कहीं जो है हुआ था, एक एमओयू साइन किया था फैनी रिवर पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं जो, ठीक है ना। तो उसमें जो है इंडिया ने कहा था कि 1.82 क्यूसेक्स जो है वाटर जो है हमें चाहिए है फैनी रिवर से जो है इंडिया को दिया जो है, ताकि त्रिपुरा में लोग पानी पी सकें, त्रिपुरा में जो है पानी के लिए फैनी रिवर जो बांग्लादेश से बहता हुआ त्रिपुरा में आता है, तो वो एग्रीमेंट कहीं ना कहीं हुआ है। उसके अलावा बाउंड्री ट्रांसफर जो है उसमें जो है सारा का सारा जो है सिक्योरिटी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है देखनी है कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं जो है। जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये पूरी हाइड्रोलॉजिकल लिंकेजेस है, पूरा पानी की जो लिंकेजेस हैं, पानी बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे है, ठीक है, वो इसलिए है, एक तो ज्योग्राफी है, एक तो भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, भूगोल ही ऐसा है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी डिटरमिन करती हुई नज़र आ रही है आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी को, आपकी विदेश नीति को, और एक इतिहास भी ऐसा है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं जो है चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। अल्टीमेटली जो हमने फायदे देखे हैं, हम नहीं चाहते कि उन अब जो है हम नुकसान की तरफ जाएं, बांग्लादेश हमसे नाराज हो या कोई चीज़ें हो, मैच्योरिटी के साथ दोनों स्टेट्स को, दोनों देशों को कहीं ना कहीं जो है कॉपरेशन करनी चाहिए, 3 C's जो है उनको जो है लेके चलने चाहिए, 3 C's की भाषा अगर वो चलाएंगे, ठीक है ना, एक कॉपरेशन हो आपस में, कॉपरेट करो आपस में, समर्थन करो एक दूसरे का जो है, कोलैबोरेशन करो, ठीक है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में ज्वाइंट वेंचर करो, व्यापार करो, सारी की सारी चीज़ें करो, और कंसोलिडेशन, जितना हमारे संबंध मजबूत हुए हैं उनको कंसोलिडेट करो, उनको कमज़ोर ना पड़ने दो, ये सारी की सारी जो है चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है समझने की जो है ज़रूरत है कहीं ना कहीं जो है। उसके अलावा भारत ने जो है एक और एक्सरसाइज जो है, एक और मतलब जो है बांग्लादेश को जो है एक वैक्सीन मैत्री जो है उसमें भारत ने जो है बांग्लादेश को 109 एम्बुलेंसेज जो है गिफ्ट की थी जो है, ठीक है ना। तो भारत कोशिश कर रहा है हर तरीके से जो है, अपनी सॉफ्ट पावर को भी यूज़ कर रहा है, ठीक है ना,
उसके अलावा जो है कोविड-19 वैक्सीन के 1.2 मिलियन डोजेज भी जो है उसने दिए हैं कहीं ना कहीं जो है, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो है चीज़ें कहीं ना कहीं त्रिपुरा के साउथ डिस्ट्रिक्ट में, मैंने आपको बताया जो है भारत बंगला मैत्री ब्रिज जो है कहीं ना कहीं उसकी इनाग्रेशन हुई जो है, उसको इनाग्रेट किया गया जो है, उससे जो है दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा व्यापार जो है बढ़ता हुआ नज़र आएगा कहीं ना कहीं जो है। तो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं, आई होप एक क्लैरिटी के साथ जो है आपने जो है चीज़ों को समझा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि भारत और बांग्लादेश का रिलेशन अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं जो है सोनामी अधे है, ठीक है ना। हमारा रिलेशन क्या है, सोनामी अधे, ठीक है ना। तो पीएम मोदी यू नो ही टर्म्ड द स्टेट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया एज सोनामी अधे, और ये कहते हैं वो कि दोनों साइड्स जो है और अच्छा रोल जो है प्ले कर सकती हैं ग्लोबल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय सतह पर, ठीक है ना। और ज़्यादा जो है उनकी इकोनॉमीज, उनकी जो है अर्थव्यवस्थाएं इकट्ठी जुड़ सकती हैं, इंटीग्रेट होकर जो है और कनेक्टिविटी बढ़ा सकती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उससे जो है हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। आई होप आपको क्लैरिटी से जो है सारी की सारी चीज़ें जो है समझ में आई हैं, आपने डिटेल में सारी की सारी चीज़ें समझी और अच्छे से आपको जो है एक क्लैरिटी हुई है सारी की सारी चीज़ों में, आपने अच्छे से जो है सारी की सारी चीज़ों को जो है समझा है। यही एक कोशिश रहती है कि आप चीज़ों को जो है अच्छे से समझ पाएँ, चीज़ों को जो है अच्छे से जो है लेके आप आगे जो है बढ़ पाएँ। ये तीस्ता रिवर है आपका, ये है आपका तीस्ता रिवर, ठीक है ना। सो ये सारी की सारी जो है चीज़ें हैं। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन किसी को होगी तो वो मुझसे पूछेगा। तो अच्छे से मेहनत करें, चीज़ों को जो है लेके चलें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। अपना ऑप्शन भी डिसाइड करें PSIR, और अपना एडमिशन लें उसमें जल्दी से। कल एक नई डिस्कशन के साथ आप सब बच्चों से फिर से मुलाकात करूंगा, और एक कपलेट के साथ, एक जो है कविता के साथ मैं आपसे जो है इजाज़त लूंगा कि ये सूरज चांद तारे मेरे साथ में रहे, ये सूरज चांद तारे मेरे साथ में रहे, जब तक के तेरे हाथ मेरे हाथ में रहे, और टूट के बिखर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, टूट कर बिखर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आंधियों से कह दो ज़रा औकात में रहें, इन आंधियों से कह दो ज़रा औकात में रहें। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, शिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़। खुशी बेटा, कोई डाउट आपको है तो यही पूछो आप, कहीं और क्यों पूछने हैं बेटा, यहाँ पूछो आप, मैं तो आपको टाइम दे रहा हूँ। बताओ क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है बेटा, किसी को कोई डाउट है तो बताएं, आई एम हेयर। बताएं बेटा, किसी को कोई भी डाउट है तो बताने का। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स, एक नए डिस्कशन के साथ फिर से आपसे मुलाकात करेंगे। टेक केयर।